फाइनली अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2 बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। जो हाइप थी इस मूवी की, भाई इसने अपने एडवांस बुकिंग में ही ना 100 करोड़ प्लस की कमाई कर ली है। मतलब जबरदस्त मैडनेस, पब्लिक लिटरली पागल हो रही है, सुबह सुबह के शो हाउसफुल चल रहे हैं। इतनी मैडनेस, इतनी हाइप थी इस मूवी की। तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या ये मूवी हमारी उम्मीदों पर खरा उतर पाई है। लेट्स चेक इट आउट। फायर है तू? फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बे, मैं विक्ता जानी। सो अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2 फाइनली बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है। इन पे जो ग्रैंड रिलीज हुई है ना इसकी, आई फील लाइक ब्रो तन्ना ने ताने ताने तन्ना ने ताने ताने रो तन्ना ने ताने ताने तन्ना ने ताने रो। मतलब भाई मास का बाप है ये बाप। मास मसाला, इमोशंस, एक्शन, कॉमेडी, ट्विस्ट, सॉन्ग्स, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर्ब, नेक्स्ट लेवल। इस मूवी की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर इसके पार्ट 1 का एंड हुआ था। जी हाँ, पुष्पा पार्ट 2 टोटली पार्ट 1 से कनेक्टेड है। अपने पुष्पा भाव लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं और अपने बिजनेस को इतना बढ़ा चुके हैं कि नेता, गवर्नमेंट सबको खटक रहे हैं। नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर वो अपने बिजनेस में सबको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस बीच होती है भंवर सिंह शेखावत की एंट्री। जी हाँ, यही चुलबुले से लेकिन खतरनाक विलन, और ये पुष्पा के बिजनेस और ईगो को चैलेंज करता है। और फिर पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत के बीच जो आंख मिचोली वाला खेल चल रहा है ना, लिटरली आपको टॉम एंड जेरी वाला फील आएगा। भंवर सिंह शेखावत के अलावा पार्ट 1 के जो सारे विलन्स है ना, वो भी पुष्पा 2 में दिखाई देते हैं, जो पुष्पा के सामने कदम कदम पे नए चैलेंजेस रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पार्ट 2 में पुष्पा सिर्फ दुश्मनों से ही घिरा हुआ है, इस बार हमारे पुष्पा भाव के सपोर्टर्स भी कम नहीं है। तो इन सारे नए और पुराने विलन्स के बीच कैसे पुष्पा अपने बिजनेस को बढ़ाता है, कैसे अपने स्टाइल और ईगो को कायम रखता है, कहाँ झुकाता है कहाँ झुकता है। जी हाँ, यहाँ पर एक जगह पर पुष्पा भाव झुके भी है सॉरी बोल के। मैं कब हो गया ये? तो ये सब कुछ ना बड़े पर्दे पर बड़े स्केल पर देखने का मजा ही कुछ और है। पूरे 3 घंटे 20 मिनट की है ये मूवी, बहुत ही लंबी मूवी है, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि कहीं पर भी ये मूवी आपको बोर नहीं करेगी। बिगनिंग, इंटरवल, प्री इंटरवल, क्लाइमेक्स, एवरीथिंग इज जस्ट बूम। पार्ट 2 में आपको पार्ट 1 की कंपेयर में पुष्पा के एटीट्यूड और स्टाइल में बहुत बड़ा फर्क भी दिखेगा। एंड भाई वो शोल्डर पर से सिगरेट जलाना, सुपर्ब यार, वाटर स्टाइल। श्रीवल्ली का कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग सुपर्ब, पार्ट 1 के मुकाबले ना एक कदम ऊपर दिखाया है उनका कैरेक्टर। जी हाँ, पार्ट 2 में श्रीवल्ली के कैरेक्टर के साथ अच्छा खासा वुमन एम्पावरमेंट दिखाया गया है, जो एक अच्छी बात है। बाकी डायलॉग्स, स्टोरी लाइन, गाने, एक्टिंग, एवरीथिंग इज सुपर्ब। आप चाहकर भी ना कहीं पर एक नुक्स नहीं निकाल पाओगे। हाँ, जबरदस्ती कूल बनने के चक्कर में अगर कोई नुक्स निकाल दे कोई, तो ये अलग बात है। बाकी मैंने जहाँ पर मूवी देखी और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पब्लिक ने ना सिर्फ इंटरवल, क्लाइमेक्स, बल्कि इस मूवी के दौरान ना हर थोड़ी थोड़ी देर में और सिटियां बजाई है। बाकी फाइट सीक्वेंस अच्छे है, कहीं पर गोलियां चल रही है तो कहीं पर स्वॉर्ड से लड़ाई हो रही है। भाई इसको देख करना लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि इस मूवी को यूएस सर्टिफिकेट मिल कैसे गया। जी हाँ, कुछ कुछ सीन्स में जिस तरीके से इस मूवी में ब्रुटालिटी दिखाई दी है ना, खास करके एंड में, लिटरली भी ऐसा लगता है कि यूएस सर्टिफिकेट के हिसाब से ये ब्रुटालिटी कुछ ज्यादा है। बाकी मूवी के लास्ट में पार्ट 3 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, वो भी एक नए कैरेक्टर के साथ। जी हाँ, जैसे कि अल्लू अर्जुन ने कहा था कि भाई पुष्पा ना सिर्फ 2 पार्ट्स में नहीं आने वाली, मल्टीपल पार्ट्स आएंगे इसके, तो उन्होंने अपनी प्रॉमिस निभाई है। पार्ट 2 के एंड में पार्ट 3 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाकी हिंदी डबिंग वो सुपर्ब, हमने इस मूवी को 2D में देखा है, वैसे 3D में देखने की कोई जरूरत भी नहीं लगी मुझे। फैमिली के साथ आराम से बैठकर इस वीकेंड पर आप पुष्पा एंजॉय कर सकते हो। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वैसे आपने पुष्पा 2 देखी या नहीं, और देखी तो आपको कैसी लगी, और खास करके भाई पुष्पा भाव का स्वैग और एटीट्यूड कैसा लगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक नई रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।